हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम कंवर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मम्माज क्रिएटिविटी में। और आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्ची, जो कि बिना किसी मसाले के हम बनाएंगे और सिर्फ 5 मिनट में ये तैयार हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा तेल, जो भी ऑयल आप यूज करते हैं खाना बनाने में वो वाला यूज ले सकते हैं। अच्छे से गर्म होने देंगे इसको और इसमें हम एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं डालने वाले हैं, सिर्फ नींबू का थोड़ा जूस डालेंगे और इसमें नमक ऐड करेंगे बस। और 5 मिनट में ये मिर्च हमारी बनके तैयार हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्च, जिन पे मैंने सिर्फ में बीच में चाकू से ये निशान लगा लिए हैं। ये जरूर लगाएं, क्योंकि अगर आप निशान नहीं लगाएंगे तो मिर्च बहुत जोर से चटकेगी, तो इसलिए मैंने सभी में निशान लगा लिए हैं। और ये मिर्च में छोड़ देते हैं, थोड़ा ध्यान रखते हैं अच्छी से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं हमारी मिर्च, हम सब मिर्चों को पलट पलट के तेल में अच्छे से फ्राई होने देंगे। और जब हमारी मिर्च ऐसी दिखने लग जाएंगी कि फ्राई हो चुकी है, तो हम इनको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमारी मिर्च भुनने के बाद तैयार हो गई है। अब इसमें हम सिर्फ नमक डालेंगे ऊपर से, और ये जो हमने नींबू का रस लिया था इसके ऊपर ये ऐड कर देंगे। और ये हमारी मिर्च खाने के लिए सिर्फ 5 मिनट में बन करके तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल ढाबे जैसी हमारी मिर्च बन करके तैयार हो चुकी है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा ऑयल डाला था, नमक और नींबू का जूस बस। ये बिना मसाले की मिर्ची हमारी तैयार हो चुकी है, जो कि ढाबे में हमें अक्सर खाने को मिलती है होटल पे ढाबे पे। तो ये हमारी मिर्ची की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।